मीरान हैदर हमारी पार्टी के? आपके पार्टी के नहीं है, वो आपके साथ ही। मीरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं उमर खालिद आपके आपके दोस्त रहे हैं? कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आप यहाँ पे, हमने वीडियो में देखा। कौन से वीडियो? क्या कहना चाहेंगे? कौन से वीडियो में कैसे साथ किस तरह से बताइए। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। 11 दिसंबर को कन्हैया कुमार जी का सिवान में आगमन हुआ था और कन्हैया कुमार मंच से संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहे थे, लेकिन कन्हैया कुमार का पूरा देश में चर्चा रहता है, चाहे वो सबमित पात्रा को किसी भी सवाल में उलझा देना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं कन्हैया कुमार। लेकिन इस बात को कौन जानता था कि सिवान में आएंगे और पत्रकार के सवालों पर फंस जाएंगे और पत्रकार को जवाब देते हुए वो कुछ गलत ही जवाब दे जाएंगे। एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया लेफ्ट और राइट के सवाल पे, कन्हैया कुमार भड़क गए और पत्रकार से बोले कि आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि मैं गलती करता हूँ तो माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ। फिर जब खड़ा होकर चलने लगे तो एक सिवान के यूट्यूबर ने उनसे जब सवाल करते हैं कि उमर खालिद आपके दोस्त रहे हैं, तो ये साफ तौर पर पल्ला झाड़ देते हैं, कहते हैं कि कब दोस्त रहे हैं, कहाँ दोस्त रहे हैं। तो फिर ये यूट्यूबर बताते हैं कि हम आपको वीडियो में देखे हैं, आप उनके दोस्त रहे हैं। तो कन्हैया कुमार कहते हैं कि कहाँ के हैं उमर खालिद ये, तो ये बताते हैं कि इस इलाके के हैं। तो कन्हैया कुमार कहते हैं अभी आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़िए लिखिए, ये वहाँ के नहीं हैं। उसके बाद से जब सवाल आता है, सिवान ज़िला के ही है मीरान हैदर, सिकंजा में बंद है, जेल में बंद है मीरान हैदर। मीरान हैदर और ये संघर्ष के ये लोग साथी रहे हैं। कन्हैया कुमार मंच के नीचे बैठे हुए हैं और मीरान हैदर मंच को संबोधित कर रहे हैं। अब बताइए कोई कैसे भूल सकता है अपने संघर्ष के साथी को, जब कन्हैया कुमार नेशनल लीडर बन जाते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे आने लगते हैं, तो फिर ये कन्हैया कुमार अपने संघर्ष के साथी को भूल जाते हैं। इनसे पूछा गया सवाल कि मीरान हैदर के बारे में क्या कहिएगा, तो इन्होंने कहा कि क्या वो मेरे पार्टी के हैं। किसी और के दामन थाम कर जब सिवान में आए थे तो पत्रकार से कुछ ज़्यादा ही बहसा बसी हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा था कि कन्हैया कुमार ने तीखा सवालों पर भड़क गए। उसके बाद जब ये पत्रकार ने सवाल किया तो अपने संघर्ष के साथी को चिन्हने से पहचानने से इनकार कर दिए, ऐसा कैसे चलेगा। अभी मैं बता दूं जानकारी के लिए कि बिहार के युवाओं में कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है कन्हैया कुमार को लेकर, पिछले फोटो इनको निकाल कर और ट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या सोशल साइट पे कोई भी आईडी हो। कन्हैया कुमार जी और उमर खालिद और मीरान हैदर का फोटो को लेकर और सोशल साइट पे ट्रोल किया जा रहा है, कन्हैया कुमार जी से जवाब मांगा जा रहा है। कन्हैया कुमार, अपने संघर्ष के साथी को आप कैसे भूल सकते हैं। हालांकि हम कन्हैया कुमार को निंदा भी नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका हम तारीफ कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने वीडियो में आप लोग देखे होंगे जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से पत्रकार को जवाब दे रहे हैं कि मीरान हैदर कब दोस्त है मेरा, कहाँ के दोस्त हैं। और देखिए कन्हैया कुमार जी का ये स्माइल देखिए, ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है इनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है, सवाल पूछने वाला व्यक्ति इनके पास कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से ये हंस रहे हैं और हंसकर पत्रकार को, यूट्यूबर को ये जवाब दे रहे हैं सवालों को और सवालों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कन्हैया कुमार, तो इनके चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए, इनको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है, उस तरीके से कन्हैया कुमार घिर रहे हैं। लेकिन ये कौन जानता था कि सिवान में आएंगे, एक सेमिनार को संबोधित करेंगे, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बहसा बसी होगा और पत्रकारों से माफ़ी मंगवा देंगे। फिर एक छोटा मोटा यूट्यूबर जब इसे सवाल करता है क्या आप अपने दोस्त को जानते हैं, तो ये साफ तौर पर कर देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। अगर कन्हैया कुमार अपने दोस्त को नहीं जानते थे तो बता देते कि हम लोग साथ में मंच को संबोधित किए हैं, लेकिन मेरा क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस हम लोग साथ में उनको जानते हैं, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कहाँ के हैं,
उमर खालिद साहब कहाँ के हैं? अरे साहब, आप जब साथ में खा रहे थे, साथ में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ में बैठकर क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे थे, साथ में बैठकर युवाओं को आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उस वक्त साहब आपको नहीं याद आया कि मीरान हैदर कौन है? सिवान जिला का ही मीरान हैदर है जो कि अभी सिकंजे में बंद है। मेरा ये सब मतलब नहीं है कि हम उनको ट्रोल कर रहे हैं या हम उनको टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सिवान में आकर जवाब दिया है पत्रकारों का, उसका जवाब तो कन्हैया कुमार जी को देना पड़ेगा। ट्विटर पे युवा सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो कन्हैया कुमार को देना पड़ेगा। फेसबुक पे एक जवाब पूछ रहे हैं फोटो डालकर, आखिर ये कौन है कन्हैया कुमार जी? जब मीरान हैदर मंच को संबोधित कर रहे हैं, नीचे कन्हैया कुमार बैठे हुए हैं और तिरछी नज़र से देख रहे हैं मीरान हैदर को, तो मीरान हैदर की तीखी उस भाषण को क्या कन्हैया कुमार जी को याद नहीं? मेरे साथ बने रहिएगा, ये कन्हैया कुमार जी थे और कन्हैया कुमार संबोधित करते हुए कुछ ऐसा जवाब दिए हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे उन्हीं के चाहने वाले लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। कन्हैया कुमार जी आइए और इस बात को जवाब दीजिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे पिछले मर्तबा कहा था कि जब मैं गलती करता हूं तो मैं माफी मांग लेता हूं। क्या कन्हैया कुमार जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं मीरान हैदर के साथ दिखे जा रहे हैं कन्हैया कुमार। बहरहाल धन्यवाद।